नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही परिवार धर्मेन अकेडमी। मित्रों, जो हमारे DLA थर्ड सेमेस्टर के लिए एग्जाम प्रिपरेशन के लिए आपकी जो 95 प्लस एबव स्कोर के लिए जो हमारी प्रिपरेशन चल रही थी, आपको पर डे आपको रेगुलर अति लघु उत्तरीय वस्तुनिष्ठ लघु उत्तरीय प्रश्नों की जो श्रृंखला थी उसी को कंटिन्यू करते हुए मित्रों, आज हम आपके लिए पंचम प्रश्न पत्र सामाजिक अध्ययन के सभी ट्रिपल कॉम्बिनेशन, जिसमें ठाकुर, पवन, राजन तीनों को कॉम्बिनेशन बना करके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में आए हुए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को संकलित किया हुआ है। और हमारा प्रयास यही है कि आपकी जो स्कोर है वो 95 प्लस हो, क्योंकि जो हमारी टैगलाइन है प्रयास हमारे सफलता आपकी। इसी के साथ शुरू करते हैं वीडियो को मित्रों। अगर आप हमारे परिवार पर नए हैं तो परिवार को ज्वाइन करें, चैनल को सब्सक्राइब करने के पश्चात उस पर जो पास में बेल आइकन है उसे जरूर दबाएंगे मित्रों, और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो लाइक और शेयर करेंगे मित्रों। आप सभी के ढेर सारी कमेंट्स हैं मित्रों के नोट्स नहीं मिल पाते हैं आप सभी को, तो नोट्स के लिए मित्रों आप टेलीग्राम चैनल धर्मेंद्र अकेडमी टेलीग्राम चैनल के ज्वाइन कर सकते हैं। ये इसकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक मिल जाएगा मित्रों, जिससे आपको जो भी एग्जाम आप टीचर संबंधी जितनी भी तैयारी कर रहे हैं उन सभी के नोट्स आपको वहाँ पर प्रोवाइड करा दिए जाएंगे मित्रों, या आपसे जो भी एग्जाम से संबंधित हैं उन सभी के नोट्स आपको टेलीग्राम लिंक पर मिल जाएंगे मित्रों। तो ज्वाइन करें जल्दी से टेलीग्राम लिंक को मित्रों। चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए, आप देख पा रहे हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी बहुविकल्पीय प्रश्न, इसमें हमने एक ही वीडियो में लगभग 150 क्वेश्चनों को लिया हुआ है, जो कि आपको काफ़ी एग्जाम में हेल्प भी देंगे। और हम एक ऑप्शन को नहीं, चारों ऑप्शन को एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे मित्रों, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सीख पाएँ मित्रों। प्रश्न कहीं से बने लेकिन आपको बनना चाहिए मित्रों। शुरू करते हैं आपका जो पहला क्वेश्चन है, जजिया कर समाप्त किया गया था। तो देखिए, जजिया कर क्या था सबसे पहले तो ये जान लें। तो देखिए, जजिया कर एक ऐसा कर था जो गैर मुस्लिम यानी कि हिंदुओं से लिया जाने वाला कर था, जिसे अकबर महोदय के द्वारा समाप्त कर दिया गया। अब प्रश्न ये बनता है कि जजिया कर समाप्त कब किया गया था, तो इसे 1564 ईस्वी में अकबर के द्वारा समाप्त कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबरनामा किसकी प्रसिद्ध कृति है। देखिए, बाबरनामा ये बाबर की प्रसिद्ध कृति है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अकबरनामा किसकी कृति है। तो देखिए, अकबरनामा जो कृति है वो अबुल फजल के द्वारा लिखी हुई है, ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, ताजमहल का निर्माण कराया था किसने कराया था। तो देखिए, ताजमहल का जो निर्माण कराया था वो शाहजहाँ के द्वारा कराया गया था, और इसके काल को हम स्वर्ण काल भी कहा जाता है। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि स्वर्ण काल किसके काल को कहा जाता है, शाहजहाँ के काल को स्वर्ण काल भी कहा जाता है। और यहाँ से यह प्रश्न बनता है कि इनका जो समय रहा था यानी स्वर्ण काल का समय कितना रहा था, तो 1627 ईस्वी से 1627 ईस्वी से लेकर के 1698 ईस्वी तक, 58 ईस्वी तक शाहजहाँ का कार्यकाल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, तानसेन को प्रसिद्धि मिली थी। तो देखिए, तानसेन जो थे अपने संगीतज्ञ में माहिर थे, इसलिए वो संगीतज्ञ थे, ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा संगीत में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दीन ए इलाही नामक धर किसने चलाया था, ठीक है। तो देखिए, दीन ए इलाही जो धर्म चलाया गया था वो अकबर के द्वारा चलाया गया था। अब प्रश्न यही बनता है कि दीन ए इलाही कब चलाया गया था, तो आपको याद रखना होगा 1582 में अकबर के द्वारा दीन ए इलाही नामक धर्म को चालू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शेरशाह का प्रमुख प्रतिद्वंदी कौन था, ठीक है। तो देखिए, शेरशाह का जो प्रमुख प्रतिद्वंदी था वो हुमायूं था, जो कि आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। शेरशाह का मकरवा कहाँ पर स्थित है, तो शेरशाह का मकरवा जो है आसा यानी कि सासाराम में स्थित है, ठीक है, ठीक है, सासाराम यानी ये करेक्ट हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था। देखिए, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो 1526 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कई बार एग्जाम में बनता है कि जो युद्ध हुआ था वो किन किन के मध्य में हुआ था, तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य में हुआ था, ठीक है, अगर यहाँ से प्रश्न बनता है, और इसमें बाबर की जीत हुई थी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, भारत में मुगल साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो देखिए, भारत में जो मुगल साम्राज्य की स्थापना करने का श्रेय सिर्फ बाबर को ही जाता है, ठीक है। और यहाँ पर यह भी पूछा जा सकता है कि बाबर का कार्यकाल कब से कब तक रहा था, तो 1526 से लेकर के 1530 तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर और राणा सांगा के बीच युद्ध किस स्थान पर हुआ था, ठीक है। और यह भी प्रश्न बनता है कि भाई साहब, बाबर और राणा के मध्य में जो युद्ध हुआ था उसे किसके युद्ध के नाम से जाना जाता है, ठीक है। तो आपको याद रखना होगा, जो बाबर और राणा सांगा के मध्य में जो युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था, ठीक है। अब देखो, खानवा का युद्ध पूछा जाता है तो कब हुआ था, यह 16 मार्च 1527 ईस्वी में हुआ था, ठीक है, बाबर और राणा सांगा के मध्य हुआ था। अगर वहीं पर हम
चंदेरी युद्ध की बात करें, क्योंकि ये भी जानना आपको जरूरी, कई बार एग्जाम में चंदेरी पूछा जाए, पानीपत या घाघरा पूछ लिया जाए, तो इसका जो युद्ध हुआ था वो 28 जून को हुआ था, 28 जून 1528 को, ठीक है, 28 जून 1528 को आपका चंदेरी का युद्ध हुआ था। और पानीपत युद्ध, पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 26 अप्रैल 1526 को हुआ था, ठीक है, अगर यहाँ से ये बनता है तो। और घाघरा का युद्ध पूछा जाता है, तो ये जो हुआ था घाघरा का वो 6 मई 1529 ईस्वी को हुआ था, ठीक है, प्रश्न कहीं से मिले। और यहाँ पर जो प्रश्न है कि बाबर और राणा सांगा के बीच में युद्ध हुआ था वो खानवा का युद्ध हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ इसका आंसर खानवा का युद्ध होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था, युद्ध में इब्राहिम लोदी को सेना को किसने हराया था, ठीक है, तो देखिए पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था 1526 में हुआ था, मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, 1526 ईस्वी में जो युद्ध हुआ था उसमें इब्राहिम लोदी और बाबर के मध्य हुआ था, जिसमें बाबर की विजय हुई थी, ठीक है, और बाबर की विजय किस हुई थी, क्योंकि बाबर ने पहली बार जो अपनी तुलगामा नीति थी, कौन सी तुलगामा नीति, यानी तोप खाने वाली जी, ठीक है, वो नीति का उपयोग किया था, जिससे क्या हुआ था, जो इब्राहिम लोदी था वो मारा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बाबर ने अपनी आत्मकथा तजुक एक बाबरी किस भाषा में लिखी है, तो देखिए बाबर के द्वारा जो आत्मकथा लिखी हुई है तजुक एक बाबरी, वो उसकी भाषा जो थी तुर्की भाषा में लिखी हुई है, ठीक है, लेकिन इसका जो फारसी में अनुवाद उन्हीं के पुत्र के द्वारा, यानी अब्दुर रहीम खाने खाना के द्वारा फारसी में अनुवाद किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मराठा साम्राज्य के प्रथम शासक कौन थे, ठीक है, तो मराठा साम्राज्य के जो प्रथम शासक थे वो शिवाजी राव थे, ठीक है, शिवाजी थे। अगर यहाँ से पूछा जाता है कि शिवाजी का कार्यकाल कितना था, तो शिवाजी का जो कार्यकाल रहा था वो 1627 से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था, ठीक है। और यहीं पर यह भी पूछा जाता है कि इनका जन्म कहाँ पर हुआ था, तो देखिए शिवाजी के अगर जन्म के बारे में पूछा जाता है तो इनका जन्म जुन्नर, ठीक है, जो नरगेश से बेदी की जो पहाड़ी थी दुर्ग में, उसमें हुआ था, ठीक है। और यहीं पर देखो जो और ऑप्शन दिए हुए हैं, शाही जी भोंसले इनके पिताजी का नाम है, जीजाबाई इनकी माताजी का नाम है, ठीक है, अगर आप ये प्रश्न इससे बाहर निकलते हैं तो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पानीपत का युद्ध मराठों के लिए सिद्ध हुआ था, ठीक है, तो देखिए पानीपत का जो युद्ध हुआ था वो 1526 में हुआ था, ठीक है, 1526 ईस्वी में हुआ था, जिसमें मराठों का के लिए ये घातक सिद्ध हुआ था, ठीक है, क्योंकि इनकी जो सेना थी वो काफ़ी सेना, लगभग 5 से 6 हज़ार के मारे गए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल काल की साहित्य कृतियां हैं, यानी मुगल काल की जो साहित्य कृतियां, उसमें गंगा लहरी हुमायूंनामा दोनों ही हैं मुगल कालीन, इसलिए आपका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मुगल कालीन स्थापत्य कला की विशेषताएं क्या थी, यानी जो मुगल कालीन स्थापत्य कला थी उसकी सबसे बड़ी विशेषता ये थी कि इसमें गुंबद तथा मीनारों की प्रमुखता थी, सबसे बड़ी विशेषता ये थी, ठीक है, और इसमें जो मेहराब होते थे वो गोल होते थे, ठीक है, और इसमें अलंकरण की प्रधानता थी, ठीक है, तीनों ही सही हैं, इसलिए आपका आंसर जो होगा वो डी करेक्ट हो जाएगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कन्नौज के युद्ध में हुमायूं पराजित हुआ, क्यों हुआ था, ठीक है, अगर देखो यहीं पर यह भी प्रश्न बन सकता है कि कन्नौज का युद्ध कब हुआ था, तो पहले ये जानते हैं कि कन्नौज का जो युद्ध हुआ था वो 17 मई को हुआ था और 1540 को हुआ था, 17 मई 1540 को हुआ था। इसी युद्ध का दूसरा नाम भी है, इसे बिलग्राम का नाम, क्या, बिलग्राम का युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है, और इसमें पराजित क्यों हुआ था, तो सबसे बड़ी उसकी यही थी कि जो तोप थी बरसात हो जाने के कारण उसमें युद्ध में जो तोप खाने थे वो व्यर्थ सिद्ध हुए, उनका कोई यूज नहीं हो पाया था, जिसके कारण हुमायूं पराजित हो गया था। नेक्स्ट है आपका, शाहजहाँ के राजकवि पंडित जगन्नाथ द्वारा रचित पुस्तकें थीं, ठीक है, जो शाहजहाँ का जो राजकवि था, ठीक है, उसके द्वारा जो पुस्तकें, चर्चित पुस्तकें थीं, उसमें रस गंगाधर भी थी, गंगा लहरी भी थी, इस तरह आपका आंसर जो होगा वो सी हो जाएगा, यानी दोनों आपके करेक्ट हो जाएंगे मित्रों। नेक्स्ट आपका, शाहजहाँ द्वारा बनाई गई इमारतों में से प्रमुख है, तो देखिए शाहजहाँ के द्वारा जो इमारतें बनाई गई थी, जामा मस्जिद ये भी शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई है, मोती मस्जिद, ताजमहल जो कि आगरा में, यानी कि तीनों ही शाहजहाँ के द्वारा बनाई गई हैं, इसलिए डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, यानी किस सन में शिवाजी का राज्याभिषेक हुआ था, ठीक है, तो देखो यहाँ पर आपको याद रखना होगा शिवाजी का जो राज्याभिषेक हुआ था वो 1674 ईस्वी में हुआ था, और कहाँ पर हुआ था, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, कहाँ पर, अगर ये प्रश्न बनता है तो रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, ठीक है, रायगढ़ के दुर्ग में हुआ था, किसके द्वारा हुआ था, तो प्रसिद्ध विद्वान थे गंगा भट्ट जी के द्वारा,
किसके द्वारा? गंगा भट्ट जी के द्वारा। और इन्होंने ही इनको क्या कौन सी उपाधि दी थी? अगर यह भी पूछा जाता है कि उपाधि किसके द्वारा दी गई तो इनके द्वारा इनको छत्रपति छत्रपति शिवाजी ये उपाधि यहीं पर दी गई थी इनको। ठीक है, तो मित्रों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे, और अभी तक अपने परिवार को ज्वाइन नहीं किया तो निसंकोच होकर चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन करेंगे मित्रों, क्योंकि आपको सभी महत्वपूर्ण नोट्स वहाँ पर मिल जाएंगे ये सभी। नेक्स्ट है मित्र, पानीपत का तृतीय युद्ध कब लड़ा गया था? ठीक है, तो देखिए पानीपत का जो तृतीय युद्ध लड़ा गया था वो 14 जून 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, 14 जून 1761 ईस्वी में लड़ा गया था। अब ये प्रश्न बनता है कि किस किस के मध्य में हुआ था ये, तो ये जो युद्ध हुआ था वो अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था। किनके मध्य में हुआ था? अहमद शाह अब्दाली और मराठों के मध्य में हुआ था, जिसमें से अहमद शाह विजय हुए थे। ठीक है, तो यहाँ पर जो आंसर होगा आपका बी 1761, 14 जून 1761। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, औरंगजेब और शिवाजी के बीच जो पुरंदर की संधि कब हुई थी? ठीक है, तो औरंगजेब और शिवाजी के मध्य में जो संधि हुई थी वो जून 1665 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, अगर ये भी पूछा जाता है कि कौन कौन संधि में सलिया, तो ये जयसिंह और शिवाजी के मध्य में ये संधि हुई थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मराठा शक्ति का जो संस्थापक कौन था? ठीक है, तो मराठा शक्ति का संस्थापक स्वयं शिवाजी थे। ठीक है, इनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है तो कार्यकाल 1627 ईस्वी से लेकर के 1680 ईस्वी तक इनका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, दादा कौंडदेव कौन थे? ठीक है, तो दादा कौंडदेव थे जो शिवाजी के दादाजी थे। ठीक है, और शिवाजी के जो व्यक्तित्व था उन पर दादा कौंडदेव का गहरा प्रभाव पड़ा था, और उन्हीं प्रभाव से वो प्रभावित थे, और उन्हीं के द्वारा उनको शस्त्र विद्या आदि विद्या में निपुण किया गया था, इसलिए वो शिवाजी के शिक्षक के रोल में आए थे, यानी शिवाजी के शिक्षक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी का जन्म कब हुआ था? ठीक है, तो शिवाजी का जन्म जो हुआ था वो अप्रैल 1627 ईस्वी में हुआ था। अगर यहीं पर प्रश्न बन जाता है कि कहाँ पर हुआ, तो जुन्नार, ठीक है, जुन्नार का जो समीप जो सिवनेर की पहाड़ी दुर्ग में इनका जन्म हुआ था। नेक्स्ट आपका, शिवाजी के मंत्रिपरिषद के कितने सदस्य थे? तो शिवाजी के मंत्रिपरिषद के 8 सदस्य थे, जिनमें से पेशवा, आमात्य, मंत्री, सचिव, सुमंत, सेनापति, पंडित राव और न्यायाधीश थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी कहाँ के रहने वाले थे? शिवाजी महाराष्ट्र के रहने वाले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी की राजधानी कहाँ थी? शिवाजी की राजधानी रायगढ़ दुर्ग, ठीक है, रायगढ़ थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, शिवाजी ने भूमि कर के अतिरिक्त अन्य कर मुगल क्षेत्रों में लगाए वे हैं? ठीक है, तो देखो शिवाजी के द्वारा चौथ लगाई गई थी, यानी लगान का 1/4 यानी चौथा हिस्सा था। ठीक है, और सरदेशमुखी भी शिवाजी के द्वारा ही लगाया गया करता था, जो 1/10 यानी 1/10 भाग होता था। ठीक है, तो ये दोनों कर उनके द्वारा ही लगाए गए थे, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वास्को डिगामा भारत कब आया था? ठीक है, तो देखिए वास्को डिगामा जो भारत आया था वो 1498 में आया था, और कहाँ से आया था? तो समुद्री मार्ग के द्वारा आया था। किसके मार्ग के? समुद्री मार्ग की इन्होंने खोज की थी। ठीक है, तो याद रखेंगे आप, मार्ग की भी इन्होंने खोज की थी। और आने वाला ये कहाँ का था? तो ये आने वाला पुर्तगाली व्यापारी था। कहाँ का था? पुर्तगाली व्यापारी था वास्को डिगामा। नेक्स्ट आपका, डच किस द्वीप समूह से होकर भारत आए थे? ठीक है, तो देखिए डच जो आए थे वो मलाया द्वीप समूह से आए थे, मलाया द्वीप समूह से 1601 में ये आए थे। ठीक है, नेक्स्ट आपका, भारत के मार्ग की खोज किसने की थी? या ये भी पूछा जा सकता है कि समुद्री मार्ग की खोज किसने की थी? तो वो वास्को डिगामा के द्वारा की गई थी। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत में उपनिवेश स्थापित करने वाली प्रथम यूरोपीय जाति कौन थी? ठीक है, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए थे। ठीक है, पहले क्या था? तो आंसर इसका पुर्तगाली होगा। उसके पश्चात अंग्रेज आए थे, फिर डच आए थे और फ्रांसीसी। ये इनका क्रम भी पूछ लिया जाता तो क्रम होगा। नेक्स्ट आपका, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? ठीक है, तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर कब? 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में हुई थी, यानी सी आंसर होगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुर्तगालियों ने या डचों ने पुर्तगालियों को हराकर माल्टा पर अधिकार कब किया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा जो डचों को हरा करके जो माल्टा पर अधिकार किया था वो 1500 ईस्वी में किया गया था। नेक्स्ट आपका, महारानी
एलिजाबेथ ने भारत व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी। ठीक है, तो अंग्रेजों ने महारानी जो एलिजाबेथ थी, ठीक है, उनसे भारत में व्यापार करने के लिए अनुमति मांगी थी, और कब मांगी थी, वो 1600 में मांगी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, पुर्तगालियों ने अपने व्यापारिक केंद्र बनाए थे गोवा, दमन, द्वीप, यानी तीनों ही जगह इनके व्यापारिक केंद्र थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बक्सर युद्ध हुआ था, ठीक है, तो देखिए बक्सर का युद्ध हुआ था वो 22 अक्टूबर, अगर सन पूछ ली जाती है, मंथ पूछ लिया जाता है, तो 22 अक्टूबर 1764 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और याद रखेंगे कब किन किन के मध्य में हुआ था, तो ईस्ट इंडिया कंपनी और मुगल नवाबों के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट आपका, इलाहाबाद की संधि हुई थी, तो देखिए यहाँ पर इलाहाबाद की संधि पूछी गई है, तो कब हुई थी, 22 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 22 अगस्त 1765 ईस्वी में हुई थी। और ये पूछा जाता है किन किन के मध्य में हुई थी, तो क्लाइव और शाजा आलम द्वितीय के मध्य में हुई थी, यानी बंगाल के नवाबों निजामुद्दीन दौला के मध्य में हुई थी, ठीक है, याद रखेंगे। नेक्स्ट आपका, कर्नाटक का प्रथम युद्ध हुआ था, ठीक है, तो कर्नाटक का जो पहला युद्ध हुआ था वो 1746-48 में, यानी कि प्रथम ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और किन किन के मध्य में हुआ था, ठीक है, तो डुप्ले द्वारा अंग्रेजों के। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, कर्नाटक के द्वितीय युद्ध में समय पांडिचेरी की फ्रांसीसी गवर्नर था, ठीक है, तो देखो कर्नाटक का जब द्वितीय युद्ध हुआ था तो उस समय जो फ्रांसीसी पांडिचेरी का गवर्नर था वो डुप्ले महोदय थे, ठीक है, यानी आंसर आपका बी हो जाएगा, डुप्ले। नेक्स्ट आपका, डुप्ले को फ्रांस वापस कब बुलाया गया था, ठीक है, तो डुप्ले महोदय को जो फ्रांस बुलाया गया था वो 1754 ईस्वी में बुलाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको, 1763 ईस्वी में फ्रांसीसियों को उनकी वस्तुएं किस शर्त पर वापस की गई थी, यानी 1763 ईस्वी में, ठीक है, तो उनके द्वारा शर्त रखी गई थी, ठीक है, वो शर्त में ये शामिल थी कि ये किलेबंदी नहीं करेंगे, सी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है, फ्लासी युद्ध किस के मध्य में हुआ था, ठीक है, और यहीं पर पूछ लिया जाता है कि कब हुआ था, तो 23 जून, कब हुआ था, 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था, ठीक है, किन किन के मध्य में हुआ था ये भी पूछा गया है, तो सिराजुद्दौला और क्लाइव के मध्य में हुआ था, जो कि ऑप्शन डी में है, इसलिए डी करेक्ट हो जाएगा। मित्रों, क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी तक निसंक हो चुका, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और साथ में टेलीग्राम लिंक भी ज्वाइन कर लें धर्मेंद्र अकेडमी के नाम से, क्योंकि जब भी महत्वपूर्ण नोट्स होंगे आपको वहाँ पर मिल जाएंगे आपके सभी। नेक्स्ट आपका, सिराजुद्दौला और क्लाइव के बीच में जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था, तो मैं अभी आपको बताया था कि जो प्लासी का युद्ध हुआ था वो 23 जून 1757 ईस्वी में हुआ था, यानी सी ऑप्शन। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड वेलेजली भारत का गवर्नर जनरल कब बना था, ठीक है, तो जो लॉर्ड वेलेजली थे, ठीक है, जो भारत के गवर्नर के रूप में 1798 में उनको गवर्नर बनाया गया था। नेक्स्ट आपका, पिंडारी कौन थे, तो ठीक है, तो पिंडारी जो थे साधारण लूटमार करने वाले थे, यानी ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका, लॉर्ड हेस्टिंग भारत के गवर्नर जनरल कब बने थे, ठीक है, तो जो लॉर्ड हेस्टिंग थे जो भारत के गवर्नर के रूप में 1813 ईस्वी में ये गवर्नर के रूप में बने थे, नियुक्त किए गए थे। नेक्स्ट आपका, प्रथम सिख युद्ध कब हुआ था, तो प्रथम जो सिख युद्ध हुआ था वो 1845 ईस्वी में हुआ था, जो कि आपका ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है, ठीक है, तो अभ्रक के उत्पादन में भारत का प्रथम स्थान है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, बेला डीला लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ पर स्थित है, ठीक है, तो बेला डीला जो लौह अयस्क क्षेत्र है वो हमारा MP में, यानी मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है, एक बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र, तो देखिए एक जड़ा बड़ा जल विद्युत शक्ति केंद्र है वो शीघ्र और सरलता से उत्पन्न किया जा सकता है। नेक्स्ट आपका, सागर सम्राट है, ठीक है, तो सागर का सम्राट किसे कहा जाता है ये भी पूछा जा सकता है, तो तेल खोज के जलयान होते हैं उनको सागर सम्राट कहा जाता है। नेक्स्ट आपका, भारत का प्रथम परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था, ठीक है, तो जो भारत का प्रथम परमाणु केंद्र था वो कल्पक में स्थापित किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज तेल नहीं है, तेल क्षेत्र नहीं है, यानी ऐसा क्षेत्र जहाँ पर खनिज तेल उत्पन्न नहीं होता, ठीक है, तो आप याद रखेंगे रानीगंज में क्या मिलता है, कोयला, ठीक है, और कहाँ पर है ये, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट आपका, कोलार किस देश में है, तो देखिए कोलार जो है आपका कर्नाटक में है, ठीक है, तो बी हो जाएगा। और आपको याद रखना होगा कोलार में क्या है, तो कर्नाटक का जो कोलार है वहाँ पर सोने की खान है, यानी सोने के खान है, यहाँ पर सोने का खनन होता है। नेक्स्ट आपका,
कर्नाटक शिव का शिव समुद्रमपन जो बिजलीघर था वो कब प्रारंभ हुआ था? ठीक है, तो कर्नाटक का जो शिव समुद्रम बिजलीपन बिजलीघर था वो 1902 में प्रारंभ हुआ था, यानी बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेलवे तथा बैंक सूची में आते हैं, रेलवे और बैंक ये आपके केंद्र की सूची में आते हैं, ठीक है, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका खेती तथा सिंचाई की सूची के विषय हैं, तो देखिए खेती और जो सिंचाई है वो राज्य सूची के विषय हैं, इसलिए बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका वर्तमान लोकसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या क्या है, तो वर्तमान में जो लोकसभा में निर्वाचित सदस्य हैं उनकी संख्या 543 है, जो कि सी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो आपको याद भी रखना होगा, कई बार ये पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा सदन है जो भंग नहीं होता है, ठीक है, तो ये स्थायी सदन होता है जो भंग नहीं होता है, और इनके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। क्यों? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष के बाद पश्चात इसके सदस्य 1/3 जो क्या होते हैं अपना अवकाश ग्रहण करते हैं, उनके जगह पर नए आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका भारत में वस्तु या जो सेवा कर बोलते हैं GST कब लागू हुआ था, ठीक है, तो भारत में जो GST लागू हुआ था वो 1 जुलाई 2017 को लागू हुआ था, यानी बी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्य के उच्च न्यायालय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है, ठीक है, तो देखो राज्य का जो उच्च न्यायालय है उसका उसको भी सुप्रीम कोर्ट यानी उच्चतम न्यायालय में चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, तो सी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल कितना होता है, ठीक है, तो उच्चतम न्यायालय के सुप्रीम कोर्ट का जो न्यायाधीश होते हैं उनका कार्यकाल 65 वर्ष होता है, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है, यानी आपका ए आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है जनहित याचिका को अदालत में दायर कर सकता है, तो देखिए जनहित याचिका एक ऐसी याचिका होती है जिसमें जिसको पीड़ित पक्ष कोई भी नागरिक या स्वयं न्यायालय कोई भी याचिका को दायर कर सकता है, यानी उक्त सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट आपका निम्न में से किस प्रकार यानी किस कर को केंद्रीय सरकार नहीं लगाती है, ऐसा कौन सा कर है जिसको सरकार नहीं लगाती है, ठीक है, तो मनोरंजन कर है जो सरकार नहीं लगाती है, जैसे मनोरंजन कर है, चुंगी कर है, गृह कर है, ये क्या होते ये छोटे छोटे नगर निगम कर के द्वारा होती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका कौन सा कर किसी अन्य पर हस्तांतरित नहीं किया जा सकता, यानी ऐसा कर जो कोई और व्यक्ति ना चुका पाए, तो वो क्या होता है आपका आयकर, ठीक है, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में कौन सा बैंक के प्रकार नहीं है, ठीक है, तो देसी बैंक, बैंकर, व्यापारिक बैंक, केंद्रीय बैंक, जबकि एक साहूकार ये ऐसा कोई बैंक नहीं है। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक के कार्य कौन कौन से हैं, तो नोट निर्गम करना ये भी ठीक है, भारतीय RBI का कार्य है, सरकार का बैंक ये भी सरकार का बैंक है, ठीक है, और विनिमय दर की स्थिर रखना ये भी उसी का काम है, तो आपका आंसर डी हो जाएगा, उक्त सभी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संसद के निम्न सदन को कहते हैं, ठीक है, तो देखिए निम्न और उच्च के भी कई बार प्रश्न में पूछ लिया जाता है, तो आपको याद रखना होगा जो संसद का जो निम्न सदन है वो लोकसभा है, और यहीं पर उच्चतम सदन पूछा जाता है तो राज्यसभा होगी। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है, ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय वो नई दिल्ली में स्थित है, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है, तो सुप्रीम कोर्ट के जितने भी न्यायाधीश होते हैं उनकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है, जो कि डी ऑप्शन में हो जाएगा। नेक्स्ट है पृथ्वी पर कितने भाग पर जल है, ठीक है, तो पृथ्वी पर 3/4 यानी 3/4 भाग पर जल है, तो आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है, ठीक है, तो भारतीय संविधान की जो 8वीं सूची है उसमें 22 भाषाओं का उल्लेख है, जो कि ऑप्शन सी में हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत के संसद से आशय है, यानी संसद के अंग भी पूछ लिए जाते हैं, तो देखो संसद किनसे मिलकर बनती होती है, तो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति, इन तीनों से मिलकर बनी होती है संसद, और ये तीन ही इसके अंग भी बोले जाते हैं। नेक्स्ट आपका महाअभियोग द्वारा किसे हटाया जा सकता है, ठीक है, तो देखिए महाअभियोग के द्वारा किन महोदय को हटाया जा सकता है, तो आप याद रखेंगे जो महाअभियोग चलाया जाता है वो राष्ट्रपति पर चलाया जाता है, ठीक है, और राज्यपाल है मुख्यमंत्री पद के लिए अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है। नेक्स्ट आपका संघ सूची में कितने विषय शामिल हैं, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आपको याद रखना होगा जो संघ सूची होती है, अगर ये भी पूछा जाता है कि संघ सूची पर सरकार यानी जो भी कानून बनाने का अधिकार किसको होता है, तो संघ सूची पर जो कानून बनाने का अधिकार केंद्र का होता है, ठीक है, समवर्ती सूची होती है, ठीक है, उस पर दोनों का होता है, केंद्र और राज्य का होता है, जबकि राज्य सूची में राज्य का ही होता है कानून बनाने का, ठीक है, तीनों को याद रखेंगे। तो यहाँ पर यह पूछा है कि संघ सूची में कितने विषय को शामिल किया गया, तो 97 यानी 97 विषय आपके शामिल हैं इसमें। नेक्स्ट आपका समवर्ती सूची में कितने विषय शामिल हैं, तो जो समवर्ती सूची है उसमें 52 यानी कि 52 विषयों को शामिल किया गया है।
नेक्स्ट है आपका, शिक्षा को किस सूची में शामिल किया गया है। पहले शिक्षा राज्य सूची में थी, ठीक है, लेकिन इसका स्तर गिरने लगा था, सुधार के लिए आयोग गठित हुआ था। आयोग ने क्या किया, इसको सुझाव दिया कि इसको समवर्ती सूची में शामिल किया जाए, इसलिए इसे समवर्ती सूची का विषय है अब ये। नेक्स्ट आपका बाबरनामा, बाबर द्वारा लिखित एक उनकी खुद की आत्मकथा है, ठीक है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैंने एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान का साम्राज्य लगभग खो दिया, यह शब्द शेरशाह ने कहे थे, किस कई कहाँ पर किया, किस युद्ध के लिए उन्होंने कहे थे, ठीक है, तो मालदीव से युद्ध करने के बाद उन्होंने कहे थे, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इबादत खाना का निर्माण कराया गया था, यानी इबादत खाने का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, तो अकबर के द्वारा कराया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपका मराठों का सर्वाधिक उत्थान हुआ था, किस काल में हुआ था, तो सबसे ज़्यादा चरम सीमा पर मराठों का उत्थान जो हुआ था शिवाजी के कार्यकाल में हुआ था, ठीक है, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका विलय नीति या हड़प नीति जिसे बोलते हैं वो लॉर्ड डलहौजी के द्वारा लाई गई थी, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका संसद से तात्पर्य है, ठीक है, तो देखो मैंने आपको बता चुका हूँ संसद जो निर्मित होती है वो लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनी होती है, और यही इसके तीनों अंग भी होते हैं। नेक्स्ट आपका भारत के राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार नहीं है, ठीक है, तो संकटकालीन में स्थिति की घोषणा करना, ये तो उनका खुद अधिकार है, ठीक है। विदेशों में राजदूतों की नियुक्ति से पद चुक्त करना यानी पद से हटाना, ये भी उनका अधिकार है। संसद को भंग करना तथा नए चुनाव के लिए आदेश देना, ये भी उनका अधिकार है। लोकसभा में सदस्यों की नियुक्ति व पद चुक्ति जो है हटाना पदों से, ये उनका अधिकार नहीं है, यानी डी आंसर आपका यहाँ पर ऑप्शन का करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत का प्रथम नागरिक होता है, तो भारत का जो प्रथम नागरिक होता है वो राष्ट्रपति होता है, यानी ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका सर्दियों में अंटार्कटिका में अंधेरा रहता है, तो 2400 घंटे रहता है, आप याद रखेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है, अबीर गुलाल में जो उड़ता है हल्का रंग या रंगीन पदार्थ होता है वो आपका अभ्रक होता है, यानी सी आंसर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कर्नाटक में जो कैगा में स्थित है, ठीक है, यानी कर्नाटक जो कैगा प्रदेश है उसमें क्या स्थित है आपको ये बताना होगा, तो कर्नाटक के कैगा में आपका परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र स्थित है, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। नेक्स्ट आपका भारत में डाक प्रणाली आरंभ हुई थी या कब प्रारंभ की गई थी, तो भारत में जो डाक प्रणाली आरंभ की थी वो 1866 ईस्वी में आरंभ की गई थी, जो बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका इंटरनेट पर प्रयोग किए जाने वाले WW का विस्तारित रूप है या पूरा रूप भी पूछा जा सकता है, तो वर्ल्ड वाइड वेब होता है, यानी कि सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रेंच कहते हैं, ठीक है, तो देखो रेंच कहते हैं पर्वतों की श्रेणियों को, आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, अकबर के दरबार के प्रथम संगीतकार कौन थे, ठीक है, तो अकबर के दरबार में जो संगीतज्ञ थे वो तानसेन महोदय थे, यानी डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानीपत का युद्ध किस किस के बीच लड़ा गया था, ठीक है, तो आपको याद रखना होगा मैं बता चुका हूँ पानीपत का जो युद्ध लड़ा गया था वो 1526 ईस्वी में लड़ा गया था, ठीक है, और यहाँ पर जो लड़ा गया था वो बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था, जहाँ पर बाबर विजयी हुआ था और इब्राहिम लोदी को मार दिया गया था। नेक्स्ट आपका सिराजुद्दौला तथा क्लाइव के बीच लड़ा गया युद्ध है, तो देखिए सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य में जो युद्ध लड़ा गया था वो प्लासी का युद्ध था, ठीक है, और ये भी पूछ लिया जाता है कि कब लड़ा गया था, तो 23 जून मैं आपको बता चुका हूँ 1757 ईस्वी में इसे लड़ा गया था। नेक्स्ट आपकी सहायक संधि प्रणाली का प्रयोग किया गया था, यानी जो सहायक संधि थी, ठीक है, उसका प्रयोग किनके द्वारा किया गया था, तो लॉर्ड वेलेजली के महोदय के द्वारा किया गया था, जो कि बी ऑप्शन में है। और मित्रों क्वेश्चन पसंद आ रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है, तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए उन सभी साथियों के साथ, शेयर कीजिए जो थर्ड सेमेस्टर के लिए प्रेरित कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमारा जो स्कोर है 95+ लाने का जो पूर्ण प्रयास रहता है, क्योंकि प्रयास हमारे हैं सफलता आपकी है मित्रों, ये हमारी टैगलाइन है, और प्रतिबद्ध भी हैं हम आपकी सफलता के लिए। और नोट्स पाने के लिए टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, वहाँ पर ज्वाइन करें उसको भी, ताकि आप बेहतर तैयारी और कर सकें मित्रों। तो प्रसिद्ध गिरवन कहाँ पर स्थित है, तो ये गुजरात में है। नेक्स्ट आपका रबड़ किस प्रकार के बनों का वृक्ष है, यानी जो रबड़ प्राप्त होती है वो किस प्रकार के बनों से प्राप्त होती है, ठीक है, तो जो रबड़ प्राप्त होती है वह जो प्राप्त होती है वो सदाबहार बनों से प्राप्त होती है, इसलिए आपका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, चिपकू आंदोलन संबंधित है, तो देखिए जो चिपकू आंदोलन है वो वनों की रक्षा से हेतु से, क्योंकि यहाँ पर जो स्त्रियाँ होती थी वो पेड़ों से चिपक जाती थी और चिपक कर जान दे देती, ठीक है, तो इसके नेता पूछे जाते हैं, कई बार प्रश्न बनता है UP TET Super 2 TET में भी बना है, तो इसके सुंदरलाल बहुगुणा थे, ठीक है, अब याद रखेंगे। और ये कब आंदोलन का प्रारंभ किया गया था, तो 1973 में किया गया था, कहाँ से किया गया था, तो उत्तराखंड के रैनी जिले के गोपेश्वर नामक जगह से ये
यानी गोपेश्वर के रैनी नामक जगह से प्रारंभ किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट आपका वित्त विधेयक प्रस्तुत किया जाता है। ठीक है, तो वित्त विधेयक कहां पर प्रस्तुत किया जाता है, केवल लोकसभा में। नेक्स्ट है केंद्र सूची का विषय नहीं है। ठीक है, यहां पर नहीं पूछा गया, नहीं वाले को आपसे ध्यान रखना होगा अच्छे तरीके से। तो देखो केंद्र सूची का विषय नहीं है शिक्षा, शिक्षा जो है समवर्ती सूची का विषय, ना कि केंद्र का। नेक्स्ट आपका राज्यसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार की आयु होनी चाहिए। तो देखिए राज्यसभा की सदस्यता के लिए उसकी उम्मीदवार की आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका भारत ने अपने मंत्रिमंडलीय प्रणाली किस देश से ली है, यानी जो मंत्रिमंडल की जो प्रणाली है वो किस देश से लिया गया है, वो ब्रिटेन से लिया गया है, यानी ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राज्यसभा का सभापति होता है। ठीक है, तो जो राज्यसभा होती है उसका सभापति भारत का उपराष्ट्रपति होता है, जो कि ऑप्शन ए में करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में कौन सा जोड़ा गलत है, देखो गलत छांटना है आपको। ठीक है, सारा मरुस्थल अफ्रीका में है, सोनोराम मरुस्थल जो है उत्तरी अमेरिका में है, महान विक्टोरिया पा जो है वो ऑस्ट्रेलिया में, जबकि आपका जो थार मरुस्थल है वो दक्षिणी अमेरिका में नहीं है, यानी यही आपका आंसर होगा। नेक्स्ट आपका रेगुलेंग एक्ट पारित किया गया था। ठीक है, तो आपको याद रखना होगा रेगुलेंग एक्ट जो पारित किया गया था वो 1773 ईस्वी में, यानी ऑप्शन ए में ही है, पारित किया गया था। ठीक है, और किसके द्वारा पारित किया गया था, तो आप याद रखेंगे वारेन हास्टिंग, वारेन हेस्टिंग बोल दें इनका नाम या हास्टिंग बोल दें, ठीक है, को बंगाल का जनरल गवर्नर नियुक्त किया गया था इसी एक्ट के द्वारा। नेक्स्ट आपका कंगारू पाए जाते हैं। ठीक है, तो जो कंगारू पाए जाते हैं वो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में पाए जाते हैं, यानी कि बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण कब हुआ था, तो जो भारत पर सबसे पहले मुस्लिम आक्रमण हुआ था वो 1712 ईस्वी में हुआ था, ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका निम्न में किसके शासनकाल को वास्तुकला की दृष्टि से स्वर्णकाल कहा जाता है, मैं आपको बता चुका हूँ कि जो स्वर्णकाल कहा जाता है वो शाहजहाँ के काल को कहा जाता है। ठीक है, याद रखेंगे आप, क्योंकि इसमें वास्तुकला जो है चरम सीमा पर थी। मोहम्मद बिन तुगलक ने, यानी मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ स्थानांतरित की थी, तो दौलताबाद, यानी कि देवगिरी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका कार्ल मार्क्स कहाँ का निवासी था, कई बार एग्जाम में बना है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स जो थे वो जर्मनी के निवासी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, तो देखो पहला विश्व युद्ध की समाप्ति जो हुई थी वो 11 नवंबर 1918 को हुई थी। ठीक है, तो डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है, तो 12 सदस्यों को, जो भिन्न भिन्न क्षेत्रों से हो सकते हैं, साहित्य से हो सकते हैं, आदि से हो सकते हैं, जो विशेष योगदान देने वाले होते हैं उनमें कौन है, कम से कम 12 सदस्यों को नियुक्त कर सकता है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, ठीक है, तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति जो करता है वो राष्ट्रपति महोदय के द्वारा होती है, यानी बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार को कितनी आयु वर्ष कम से कम नहीं होनी चाहिए, यानी लोकसभा की सदस्यता के लिए जो उम्मीदवार है उसकी 25 वर्ष होनी चाहिए कम से कम आयु, ठीक है, इससे कम नहीं। नेक्स्ट आपका सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को नियुक्ति कौन करता है, तो जो सर्वोच्च न्यायालय होता है, ठीक है, उसके न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा होती है, इसलिए सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका शेख सलीम चिश्ती का मकबरा कहाँ पर स्थित है, तो शेख सलीम चिश्ती है उसका जो मकबरा है वो फतेहपुर सीकरी यानी कि आगरा में स्थित है। नेक्स्ट आपका विश्व मौसम संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जो विश्व मौसम संगठन है उसका मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका ध्रुवीय राष्ट्रों का नेतृत्व तो किसने किया गया था, यानी जो ध्रुवीय राष्ट्र थे, ठीक है, उनका नेतृत्व तो किन के द्वारा किया गया था, वो जर्मनी देश के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट आपका भारत में हरित क्रांति की शुरुआत कब हुई थी, ठीक है, तो जो भारत में हरित क्रांति की शुरुआत 1966-67 में हुई थी, किसके द्वारा की गई थी, स्वामीनाथन के द्वारा, M.S. स्वामीनाथन, ठीक है। नेक्स्ट है विश्व में सबसे प्राचीन देश कौन सा है, तो विश्व का जो सबसे प्राचीन देश है वो जापान है, यानी जापान हो जाएगा। नेक्स्ट है कपास का जो रेशा होता है पौधे के किस भाग से प्राप्त किया जाता है, तो कपास का रेशा पौधे के जो फल भाग होता है जिसे कली बोलते हैं, उसमें फूल आता है, फल आता है, उससे प्राप्त किया जाता है, ठीक है, धीरे धीरे। नेक्स्ट है ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, GT रोड बोलते हैं इसे, शेरशाह सूरी के द्वारा करवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष हुआ था, ठीक है, तो देखिए मुगल काल की जो चित्रकला थी उसका उत्कर्ष किस काल में हुआ था, तो आपको याद रखना होगा जहांगीर के शासनकाल में, ये चरम सीमा पर थी। नेक्स्ट है अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के मध्य में जो कर्नाटक में युद्ध हुए थे वो कितने लड़े गए थे, तो 3 युद्ध हुए थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक थे, ठीक है, तो जो भारत में अंग्रेजी साम्राज्य के संस्थापक क्लाइव को माना जाता है, जो कि ऑप्शन ए है।
नेक्स्ट आपका सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप कौन सा है? तो देखिए सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व महाद्वीप जो है वो एशिया है, जो कि ऑप्शन ए में ही है। नेक्स्ट आपका शक्ति के गैर परंपरागत स्रोत हैं, यानी एक तो स्रोत देखो गैर परंपरागत और परंपरागत होते हैं। गैर परंपरागत को हम अनवीकरणीय बोलते हैं, नवीकरणीय और अनवीकरणीय, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है आपको, तो गैर परंपरागत स्रोत कौन से होते हैं? तो सौर ऊर्जा जो है आपका नवीकरणीय स्रोत है, जो कि गैर परंपरागत है, ठीक है। नेक्स्ट आपका ग्रीन इंडिया मिशन प्रारंभ किया गया था, ठीक है। तो जो ग्रीन इंडिया मिशन था वो 2014 में प्रारंभ किया गया था। नेक्स्ट आपका रानीगंज जो कोयला खान स्थित है, तो देखो रानीगंज जो कोयला खान है वो पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कोयले के लिए प्रसिद्ध है ये। नेक्स्ट आपका न्यायपालिका का कार्य नहीं है, यानी जो न्यायपालिका होती है, ठीक है, तो ये कार्य क्या नहीं है इसका, ये कानूनों का क्रियान्वयन नहीं करती है, ये सिर्फ उनका रक्षा करती है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश को महाभियोग द्वारा पद से हटाने की शक्ति निम्न में से किसको प्राप्त है? यानी जो उच्चतम न्यायालय है, ठीक है, उसका जो न्यायाधीश है उस पर महाभियोग लगाया जा सकता है संसद के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संसद का उच्च सदन या द्वितीय सदन है, ठीक है। देखो उच्च सदन बोला जाता है, या हम प्रथम सदन द्वितीय सदन के नाम से भी उसे जाना जाता है, ठीक है। तो निम्नतम सदस्य तो मैं सदन आपको बता चुका हूँ कि लोकसभा होती है, तो उच्चतम सदन राज्यसभा हो गई, और इसे द्वितीय सदन भी कहा जाता है। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति पद के नामांकन के लिए कितने प्रस्तावकों व अनुमोदकों की आवश्यकता होती है? तो प्रस्तावक 50 चाहिए और 50 ही उसमें अनुमोदक होने चाहिए, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका देश का सबसे बड़ा राष्ट्रीयकृत प्रतिष्ठान कौन सा है? तो रेलवे सबसे अधिक प्रतिष्ठित है, ठीक है, सबसे बड़ा। नेक्स्ट आपका देश की मुद्रा की प्रतिपूर्ति नियमित करता है, ठीक है, तो कौन करता है? तो RBI करता है, भारतीय रिजर्व बैंक, ठीक है। नेक्स्ट आपका निम्नलिखित में से कौन सा केंद्र सरकार की आय का स्रोत नहीं है, ठीक है, तो जो भू राजस्व है वो राज्य सरकार की स्रोत आय का स्रोत है, ना कि केंद्र का। नेक्स्ट आपका शिवाजी का जन्म हुआ था, ठीक है, तो शिवाजी का जन्म 1627 में ईस्वी में हुआ था, ठीक है। कहाँ पर हुआ था मैं आपको बता चुका हूँ, जुन्नार की जो सिवेश्वर नामक पहाड़ी पर हुआ था, ठीक है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम की सीमाएँ किस देश को छूती हैं, यानी उसको स्पर्श करती हैं? तो नेपाल को करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट है ना उड़ पाने वाले मात्र पक्षी अंटार्कटिका में पाया जाता है, कौन सा होता है? वो पेंगुइन है, ठीक है, जो उड़ नहीं पाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पृथ्वी की ऊपरी सतह को कहते हैं, तो देखिए पृथ्वी की जो ऊपरी सतह होती है हम उसे मृदा संपदा बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आपका मराठों के आक्रमण से पूर्व पंजाब का शासन या किसका शासन था, ठीक है, तो देखिए मराठों का जो आक्रमण से पहले पंजाब में जो शासन था वो अहमद शाह अब्दाली महोदय का था, ठीक है, आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विदेशी कंपनियों ने व्यापारिक केंद्र को कहते हैं, जो विदेशी कंपनी आई थी पुर्तगाली, डच, अंग्रेज, डेनिश, ठीक है, तो इनकी जो कंपनियां होती थी, ठीक है, उनको क्या कहा जाता है? उनको कोटी कहा जाता था, जो कि ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट है निम्न में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो देखिए अभ्रक, जिप्सम, हीरा ये खनिज नहीं है, तांबा आपका धात्विक खनिज है। नेक्स्ट आपका हरित क्रांति विशेष रूप से संबंधित है, तो देखिए जो हरित क्रांति है वो कृषि उत्पाद में वृद्धि और कृषि से संबंध रखती है, इसलिए आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका केंद्र सूची का विषय नहीं है, ठीक है, तो जो केंद्र सूची है उसका विषय सिंचाई नहीं है, जो कि राज्य सूची का है। नेक्स्ट आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप कौन सा है, ठीक है, तो आप याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से पूछा गया है, दूसरा बड़ा महाद्वीप आपका अफ्रीका है, ठीक है। नेक्स्ट आपका उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना, यहाँ पर तेल का शुद्धिकरण होता है, मथुरा रिफाइनरी है, मथुरा में होता है। नेक्स्ट आपका भारत की संघीय कार्यपालिका जो कार्यपालिका होती है का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है, ठीक है, तो जो भारत की जो संघीय कार्यपालिका होती है उसका संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति महोदय होते हैं, यानी बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI की स्थापना कब हुई थी, ठीक है, तो आप याद रखेंगे RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 में हुई थी, जो कि आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट आपका भारत में प्रमुख चावल उत्पादक प्रदेश है, यानी सबसे अधिक चावल कहाँ पर उगाया जाता है, ये भी पूछा जाता है, प्रमुख चावल उत्पादक उद्देश्य कौन सा है आपका, पश्चिम बंगाल है। नेक्स्ट आपका पिट्स इंडिया एक्ट पारित हुआ था, यानी जो पिट्स इंडिया एक्ट था वो 1784 में पारित हुआ था, यानी बी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है ताजुके बाबरी की भाषा थी, तो मैं आपको बता चुका हूँ इसकी भाषा जो थी तुर्की थी, ठीक है, बाबर के द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट आपका चित्रकला का सर्वाधिक विकास हुआ था, तो देखिए चित्रकला का जो सबसे अधिक विकास हुआ था वो जहांगीर के शासनकाल में हुआ था, और इस काल में चित्रकला अपने उत्कर्ष सीमा पर थी।
नेक्स्ट आपका स्थायी बंदोबस्त प्रणाली शुरू की गई थी, ठीक है। तो स्थायी जो बंदोबस्त प्रणाली थी वो लॉर्ड कार्नेविलास के महोदय के द्वारा शुरू की गई थी, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अकबर के प्रसिद्ध दरबारी संगीतज्ञ थे, तानसेन जी थे। नेक्स्ट आपका बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया गया था, ठीक है। तो बुलंद दरवाजे का जो निर्माण कराया गया था वो अकबर महोदय के द्वारा करवाया जाता है, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट आपका इलाहाबाद की संधि हुई थी, ठीक है। तो इलाहाबाद की जो संधि हुई थी वो 1765 ईस्वी में हुई थी, याद रखेंगे आप। नेक्स्ट आपका नगदी फसल, नगदी फसल से तात्पर्य हमारा ये होता है कि तुरंत मार्केट में ले गए और आपको तुरंत नगद फसल मिल पैसा मिल जाए, ठीक है। तो गन्ना आपका नगदी फसल के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट आपका नराड़ा जो परमाणु केंद्र ऊर्जा का केंद्र है वो कहाँ पर स्थित है, वो उत्तर प्रदेश में है। कहाँ पर? उत्तर प्रदेश के बुलंदशहर में, ठीक है। नेक्स्ट आपका धात्विक पदार्थ के अंतर्गत आते हैं, धात्विक पदार्थ के अंतर्गत कौन कौन सा आता है? देखो लोहा धातु है आपका, तांबा धातु है, सोना भी धातु है, ये सभी धातु हैं, तो यानी कि डी आंसर हो जाएगा आपका, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट है संचार का साधन नहीं है, टेलीकॉन्फ्रेंसिंग संचार का साधन है, इंटरनेट है, ईमेल है, जबकि हेलीकॉप्टर नहीं है संचार का, ठीक है। नेक्स्ट आपका महान विक्टोरिया मरुस्थल पाया जाता है, जो महान विक्टोरिया मरुस्थल है वो ऑस्ट्रेलिया में है, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आपका राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में कितने सदस्यों को मनोनीत किया जा सकता है? 12 सदस्यों को, यानी डी ऑप्शन हो जाएगा आपका। नेक्स्ट आपका राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि जो अध्यक्ष होता है वो कौन होता है? तो देखिए राज्यसभा का जो पदेन सभापति होता है वो उपराष्ट्रपति होता है, जो यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ मित्रों जो हमारी श्रृंखला थी वो आपको काफ़ी पसंद आई होगी, और जो हमारी तैयारी के लिए आपको 95+ स्कोर लगाने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं वो आप भी काफ़ी पसंद आ रहे हैं मित्रों। तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, पास में जो बेल आइकन जरूर दबाएं, क्योंकि जितने भी हमारी महत्वपूर्ण वीडियो आएंगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा मित्रों। और आप सभी की शिकायत थी कि सर आप नोट्स दिया करें हमें, तो नोट्स के लिए मित्रों मैं आपको बता देना चाहता हूँ, नोट्स के लिए आप हमारे टेलीग्राम लिंक पर ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आप सभी के जितने भी क्वेरी हैं संबंधी नोट्स आपको वहाँ पर मिल जाएंगे मित्रों। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक है तो वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक में दिया हुआ है वीडियो के में, आप वहाँ से उस पर सीधे जाकर के जोड़ सकते हैं, और जितने भी महत्वपूर्ण नोट्स हैं आपके वो आपको पर डे आपको वहीं पर मिलते रहेंगे मित्रों। उम्मीद करता हूँ आप सभी को यह वीडियो पसंद आई होगी मित्रों। नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।